हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप किस तरीका से है जो विंडो 11 को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटली सेटअप बताऊंगा, सपोर्ट नहीं करता है इसलिए मैं इसको MBR में सिक्योर बूट का एरर भी शो करेगा। सो मैं बताता हूँ आप किस तरीका से सेटअप कर सकते हैं। सिंपल सा आपको उस फोल्डर में चले जाना है। सो आपका जो डाउनलोड हो गया ISO फोल्डर, आपको सबसे नीचे दिखेगा सेटअप। सेटअप पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, कुछ लोग का ये एरर भी आ सकता है। उस एरर को कैसे आपको सॉल्व करना है ये भी मैं आपको टोटली बताऊंगा। सो इसको वीडियो में विंडो 11 इंस्टॉलेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। सिंपल सा हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो चेकिंग योर पीसी। ये मेरे पीसी को चेक कर रहा है कि मेरा पीसी कंफर्टेबल है कि नहीं। ये आपको एरर जरूर दिखाएगा। कौन सा एरर दिखाएगा मैं जरूर बताऊंगा। आप देखते रहिए किस टाइप का आपको एरर शो करेगा। दिस पीसी कैन नॉट रन विंडोज 11। तो देख सकते हो कुछ इस तरीका से उसके बाद भी आपको एरर शो करेगा। ये एरर किस कौन सा है मैं बताता हूँ। यहाँ पर शो नहीं कर सकता है। इसको फिर से क्लोज करते हैं और फिर से ओपन करके देखते हैं ये किस किस चीज का एरर बताएगा। अगर आप में 4 GB रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर 4 GB नहीं है, 2 GB है सिर्फ ओनली आपके कंप्यूटर में, तो उसका एरर शो कर सकता है। और उसके बाद है जो आपका TPM का एरर शो करेगा और आपका शो करेगा एक और है जो सिक्योर बूट का। फिर से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं किस टाइप का है जो एरर शो करता है। ओपन होने देते हैं इसको फास्ट जल्दी से। फिर से सिंपल सा नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और ये गेटिंग अपडेट चेक कर रहा है। उसके बाद सिस्टम को चेक करेगा ये इसका रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। देखते हैं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेकिंग योर पीसी, हमारे पीसी को चेक कर रहा है कि विंडो 11 के रिक्वायरमेंट को। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस पीसी कैन नॉट रन विंडोज 11। प्रॉब्लम क्या क्या है? TPM नहीं सपोर्ट है और सिक्योर बूट नहीं है। मेरे पीसी में सिक्योर बूट नहीं क्योंकि मेरे पीसी में UEFI नहीं है, तो सिक्योर बूट कहाँ होगा। अगर आप में भी नहीं है तो मैं बताऊंगा इसका एरर कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं और विंडोज को 11 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले उससे पहले आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, सिंपल सा आपको क्लोज कर देना है। और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ फाइल्स मिलेगी, मैं उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं दिखाता हूँ कौन सा फाइल से इसको क्लोज होने देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्लोज हो चुका है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वो फाइल कौन सा है। यहाँ पर देख सकते हो ये 4PI फाइल है जो आपको इंपोर्ट कर देना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जिप फाइल में रहेगा। ये वाला जिप फाइल में रहेगा हार्डवेयर कंपेटेबल से। इसको आपको ये सारा फाइल को आपको सेलेक्ट करना है, कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद सिंपल सा आपको सोर्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सोर्स, इस पर सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद रिप्लेस कर देना है इसको। सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप अगर यहाँ पर सेटअप पर जाएंगे, यहाँ पर सेटअप पर सिंपल सा यस करते हैं। सेटअप को यस पर क्लिक करने के बाद सिंपल सा आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। राइट नाउ पर क्लिक करके अब डाउनलोड अपडेट ना ड्राइवर कुछ दोनों को अनचेक कर देना। उसके बाद राइट नाउ क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये हमारे सिस्टम को जो चेक कर रहा है कि अवेलेबल नहीं। देख सकते हैं वी आर गेटिंग फ्यू रेडी। रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरीका से जो प्रोसेस करना है। देख सकते हो एक्सेप्ट लाइसेंस, लाइसेंस भी मिल चुका है। उसके बाद सिंपल सा आपको इस पर कर देना, सिंपल सा आपको एक्सेप्ट कर देना है लाइसेंस को। अगर आपके पास विंडो 7 है या विंडो 8 है, तो सबसे पहले आपको विंडो 10 में उसको इंस्टॉल करना होगा। विंडो 10 में इंस्टॉल करने के बाद ही आप जो विंडो 11 का सेटअप आप कर सकते हो। ठीक है, आपको सबसे पहले अगर ऐसा है तो आप कर सकते हो। सिंपल सा देख सकते हो आपको कोई भी ना TPM का एरर शो हो रहा हुआ ना कोई।
ना कोई TPM का एरर शो हुआ, ना कोई सिक्योर बूट का एरर शो हुआ, मेरे में दोनों एरर्स आ रहे थे। सो आप में भी कुछ इसी तरीका से उस एरर को आप है जो सॉल्व कर सकते, और हमारा कुछ भी नहीं मांग रहा है क्योंकि वो बाईपास हो गया। सिंपल सा एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद मैकी श्योर यू रेडी टू इंस्टॉल, आपको सिंपल सा आपको वेट करना है। उसके बाद आपको इस तरीका का अगर आता है व्हाट नीड यू अटेंशन, तो आपको सिंपल सा ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका स्पेस चेक करेगा। देख सकते हैं कि आप स्पेस चेक कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर विंडो इंस्टॉल प्रो, हमारा विंडो इंस्टॉल प्रो हो रहा है। उसके बाद की फाइल पर्सनल, इसको सिंपल सा आपको चेन पर क्लिक करना। कुछ फाइल्स रखना चाहते हैं, कुछ ऐप्स रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। अगर फाइल्स कुछ रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। अगर कुछ नहीं रखना चाहते हैं, नथिंग कुछ भी नहीं चाहिए, तो सिंपल सा आपको नथिंग पर क्लिक कर देना है और सिंपल सा नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप नथिंग पर ही क्लिक करें। उससे क्या होगा कि आपका है जो PC है जो पूरी तरीका से क्लीन हो जाएगा। सिंपल सा नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये कुछ स्पेस चेक करेगा। वेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्पेस चेक कर रहा है। स्पेस चेक करने के बाद ये आपका हो चुका है। सिंपल सा आपको कुछ नहीं चाहिए तो ये नथिंग हो चुका है सेलेक्ट, और इंस्टॉल पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये क्या होगा कि आपका विंडो है जो इंस्टॉल है ना, स्टार्ट हो जाएगा। विंडो को इंस्टॉल होने में आपका काफ़ी ही ज़्यादा समय लगेगा। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका PC है जो रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद फुल्ली आपको सेटअप कर लेना है। सेटअप करने के बाद आपसे को मैं दिखाऊंगा किस तरीका से हमारा विंडो इंस्टॉल हुआ है। मिलते हैं पूरी सेटअप होने के बाद, तब तक के लिए विंडो को इंस्टॉल होने देते हैं। मेरा सेटअप होने के बाद मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा विंडो इंस्टॉल हो चुका है। मैं टोटली सेटअप कर लिया हूँ। आपको भी टोटली सेटअप कर लेना है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। मैं टोटली सेटअप कर लिया हूँ। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर पिक्सल आर्ट, यहाँ पर काफी सारे एप्स मिल जाते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फोटोशॉप हो गया, काफी सारे यहाँ पर ऐप्स मिल सकते। देख सकते पूरा लुक ही चेंज हो गया है। यहाँ पर आपको मिलेगा ये शट डाउन स्लीप रीस्टार्ट का बटन। उसके बाद ऊपर में ऑल ऐप्स पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑल ऐप्स यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, ऑल ऐप्स आपको देखना है तो यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको अपना फोल्डर, मतलब दिस PC आपको दिखाते। देख सकते हैं कुछ इस तरीका से चेंज हो गया। काफी अच्छा लुक लग रहा है, काफी प्रोफेशनल लुक रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है एनिमेशन के साथ है। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर सिंपल से आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी। अगर इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये साइड से दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, मतलब स्प्लिट कर सकते हैं जैसे आप मोबाइल में स्प्लिट करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। फिर आप खोल सकते हैं। देख सकते हैं आप किस तरीका से ओपन कर सकते हैं। सिंपल से इसको क्लोज करते हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।